हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल माइंड ट्रेड्स में। और आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 3 टिप्स ऐसी बताने वाला हूं जिससे कि आपका लॉस रिकवर होगा, आप मतलब लॉस कम से कम करोगे, क्योंकि लॉस होता ही है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा झूठ कि लॉस नहीं होता, यहाँ पर मुझे होता है तो आपको भी होता होगा। और तीसरी चीज़ कि आपको कैसे यहाँ पर शांत रहना है, और आपको कैसे वी टाइप यूज करना है, और सही तरीके से कैसे यूज करना है, कि मतलब ज़्यादातर लोगों को लॉस हो रहा है ना इस वजह से। तो वीडियो को पूरी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और हम ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आती है कि गाइस, आप लोग बोलते हैं कि सर हमें वी टाइप से कभी कभी लॉस हो जाता है। तो देखो, मैं उनको टिप्स देना चाहूँगा कि भाई देखो, पहले तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 5 से 7 के बीच वो ट्रिक वर्क करती है। देखो, उससे पहले भी वर्क करती है। कई लोगों ने शॉर्ट आउट दिए हुए हैं, मेरे मेल पे किए हुए हैं कि सर देखो इस टाइम वर्क की है, इस टाइम वर्क की है, वो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 5 से 7 उसका वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले वी टाइप ना बने, उसके बाद वी टाइप ना बने, वी टाइप तो हर समय बनता है, लेकिन मैं 5 से 7 के बीच ऐसा अकॉर्डिंग टाइम बता रहा हूँ जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बनता है। अगर ऐसे नॉर्मली में बनेगा 5-10 बार तो उधर बनता है कम से कम 50 बार, सच बोल रहा हूँ 50 बार बनता होगा 5 से 7 के बीच। और यहाँ पे दिन भर में भी 50 के बार बन जाए तो वो ठीक है। तो एक अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, 5 से 7 के बीच मतलब बनता है, ठीक है, उससे पहले भी बनते रहते हैं, वो तो आपके ऊपर है, आप देख लो जब तो बन जाए। अब मैं बता दूँ दूसरी चीज़ कि गाइस, तुम लोगों को लॉस हो क्यों रहा है। अब कई लोगों का तो सवाल ये है कि भाई यार देखो, बाइनरी ट्रेडिंग है और ये अप डाउन से कुछ नहीं होता, और ये वो फलाना ठिकाना ढिमका। सही बात है, कुछ कुछ गलत नहीं सोचते तुम लोग, बहुत अच्छा सोचते हो। मतलब मैं तुम लोगों की बिल्कुल दाद देता हूँ कि तुम लोग बिल्कुल सही सोचते हो, क्योंकि तुम लोग भी तो मैं ही हूँ ना, मैं भी यही सोचता था, ऑलमोस्ट मैं यही सोचता था। बट जब खुद एंटर हुए, जब खुद किया, खुद मेहनत की, और जब मुझे कुछ मिला, तभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी टिप्स कि आपको कभी भी यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। यार देखो, अभी मैंने दिन भर से ट्रेड नहीं ली, अब मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, ट्रेड ली ही नहीं मैंने, मैं इतना लालच करता ही नहीं हूँ। देखो, बेस्ट टिप्स हैं ये, अगर आपने बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, अगर इन्हें आपने जहन में बिठा लिया, तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर दो, बहुत से लोग हैं जो कमेंट में आप देखो, उनकी मैं पिन कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सच सच बोल देते हैं कि सर हाँ यार ऐसी बात है, सच बोलते हो, आपके चार ट्रेड लो, जेड लो, वो लो। देखो, चार ट्रेड लेने का मुझे वो नहीं है कि मतलब चार ही ट्रेड क्यों लेनी है, चार ट्रेड इसलिए लेनी है, चार क्या, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 15 ले लो। और कई लोग तो बोलते हैं हाँ भाई तू, सुनना ध्यान से इसके मत करना प्लीज़, हाँ भाई तू तो इसी से पैसा कमा रहा है, तो यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत है। तो एक बात बता दूँ उनको जो फिर से कमेंट करने वाले हैं ये, कि भाई तू ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाता है तो यूट्यूब पे क्यों मेहनत करता है। देखो, एक बात बता दूँ, घर आए लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, ठीक है, यहाँ से भी पैसा आता है। मैं ये थोड़ी ना बोलता हूँ कि यहाँ से पैसा नहीं आता, यहाँ से भी पैसा आता है, लेकिन उतना ही आता है। ये बिल्कुल भूल जाओ कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बिल्कुल नहीं देते, बहुत कम देते हैं। अब आपको एस्टिमेटेड बताओ ना, तो बता तो नहीं सकते, लेकिन इतना बताऊंगा कि एस्टिमेटेड आप 6-7 कॉर्नेटो खा लो अपने फ्रेंड के साथ, इतना पैसा देते हैं महीने में, ठीक है, वो भी अगर आप वीडियो अपलोड करो तो 6-7 कॉर्नेटो वो कितने के आते हैं, 30-40 रुपये का आता होगा, या 25 आप अच्छा वाला खाते होगे तो 50 रुपये का आता होगा, है ना। तो देखो, सीधी बात यहाँ पे ये है कि वी टाइप अगर आप जब भी यूज कर रहे हो तो अच्छे से माइंड सेट करके बैठो, और फालतू की दिक्कत विक्कत लेके नहीं बैठो, घर मर का काम निपटा के बैठो आराम से, अच्छे से मतलब फ्री टाइम में बैठो मौज मस्ती में, कि हाँ यार हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई हलुआ गेम नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप 500 लगाते हो तो आपके 500 रुपये चले जाते हैं, 500 कॉइन नहीं जाते, ठीक है, समझ में आया, 500 कॉइन नहीं जाते, नहीं तो ये सोचो कि अरे आप 500 कॉइन चले गए, मतलब ऐसे चले जाते हैं, आप नंबर के थ्रू देख रहे हो। अगर आपके हाथ में कैश होगा ना और 500 किसी को दोगे ना, तो प्राण निकल जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप नंबर डाल के एक समझते हो, तो इस चीज़ को समझो। अगर आप यहाँ पे 350 डालते हो ना, और 350 अगर आपके 500-600 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको दिखता है कि 500-600 में कन्वर्ट हो गए, लेकिन
वही पैसे अगर जब डूबते हैं और वो साथ में आपके 350 भी साथ में लेके चले जाते हैं, तो ये दर्द मैं ही समझ सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि तुम्हें पता है, जिन्होंने मेरी शुरुआत ही वीडियो देखी होंगी वो अच्छे से समझते होंगे, ठीक है, कि वो पैसा इनके मुंह से खींच के लेके आ जाता हूँ मैं, ठीक है, इतना तो है। और सच बताऊँ मैं, इनसे मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आप लोग सोचो कि इनसे हमारा कोई कॉन्टैक्ट हो या फिर इनसे हम पर्सनली बात करते हों, तो भगवान कसम, भगवान कसम, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चैनल डिलीट हो जाए। भगवान कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, आपको भी पता है। भगवान कसम झूठ बोल रहा हूँ तो भाई मेरा चैनल डिलीट हो जाए। मेरा इनसे एक रित्ती भर कांटेक्ट नहीं है, एक रित्ती भर कांटेक्ट हो। कई लोग बोलते हैं ना ये फिक्स है, और ऑलरेडी हम फिक्सिंग पे एक वीडियो बना चुके हैं, आपको आई बटन में मिल जाएगा, जो कि इंसान को लगता है ना रियल और उसमें डेमो में अलग है। तो बता दूं कि वो बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हो, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो सच बताऊँ ना, मेरा कुछ इनसे कांटेक्ट नहीं है रित्ती भर, ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेड लेनी कैसी है। देखो वो बात अलग है कि मैं यहाँ पे 3 टिप्स देने आया हूँ आपको, पहली टिप्स मैंने दे दी। देखो ये जनरली हर कोई बता ही देता है, लेकिन मैं आपके यहाँ पे आंकड़े साफ करने आया हूँ। देखो लॉकडाउन चल रहा है, इंसान बाहर काम करने तो जाता नहीं है। देखो तुम लोगों को भी पता है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन मतलब पहले 1 साल होने के समथिंग है, जब से ट्रेडिंग में लोग बाहर बहुत ज़्यादा एंटर हो रहे हैं। इससे पहले इसको क्या समझते थे सब लोग, स्कैमिंग, स्कैम है, ये है वो है। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं कुछ और बताने आया, कुछ बता रहा हूँ, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। तुम लोग देखो समझते हो, मैं देखो एक स्क्रिप्टेड नहीं बोल सकता, प्लीज़। तो ये चीज़ तुम लोग को से मुझे कनेक्ट करती है बस, ठीक है। तो कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। एक स्क्रिप्टेड मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, तो स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो पूरी बात करूँगा आपसे कि उससे पहले लोग बाग इन सबको स्कैम समझते थे। और हाँ, काफ़ी स्कैम की वीडियो पड़ी है इनकी, कि ये है स्कैम है, वो है, ये है, पैसा डूब जाता है, ये वो हजार लॉट ऑफ। लेकिन भाई मेरा तो नहीं डूबा, मेरे पास तो आते हैं, ठीक है, तो मैं क्यों बोलूँ स्कैम है, मैं क्यों बोलूँ, जब मुझे फ़ायदा होता है तो मैं क्यों बोलूँ स्कैम है, बताओ। और जिनको फ़ायदा होता है वो कमेंट में साफ साफ बता देते हैं कि हाँ सर हमें मिल जाते हैं पैसे। तकरीबन टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे अब इंगेज ज़्यादा हो गई है, लोग वहाँ आने लगेंगे, ज़रूर नहीं इसी पे, विनोमो हुआ, अपस्टॉक हुआ, मतलब जो शेयर मार्केट है उसमें भी ज़्यादातर लोग एंटर हो चुके हैं इन चीज़ों में, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को समझो, जो मेरी वी टाइप है जो, वो सच में यार रेयरली है, मतलब उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और कोई गलत बोलता है ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत, कि वर्क नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और मैं एक बार और बता दूं कि कहीं पे भी पैसे वैसे मत देना, कि कोई पैसे मांग रहा हो तुमसे, वो पैसे मैं नहीं करता अकाउंट हैंडलिंग, प्लीज़ अकाउंट हैंडलिंग मैं नहीं करता, समझ लेना ध्यान से, अकाउंट हैंडल हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो किसी को भी पैसा मत देना, चाहे मेरे लोगों की फ़ोटो निकाल के अपने चिपका ले, थंबनेल में लगा ले, कहीं लगा ले, मैं पैसा नहीं मांग रहा होगा। उस टाइम स्कैमिंग ही हो रही होगी आपके साथ, हो जाए स्कैमिंग भाड़ में जाओ, क्योंकि मैं समझा नहीं सकता हर वीडियो में, ठीक है। तो अब सीधी तरीके से अपन बात करते हैं। देखो एक ट्रेड भी लेंगे अपन लोग, सिंपल सी बात, ट्रेड तो अपन लेंगे, ठीक है, ट्रेड लिए बिना अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 1500 हमने पहले ही से, देखो आपको दिख रहा होगा, और हमारा अकाउंट बैलेंस भी दिख रहा होगा, और वही अकाउंट यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। सब जिनको पता है पहले ही वाला अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, वो सिस्टर अकाउंट है मेरा, ठीक है, सिस्टर यूज़ नहीं कर रही हैं अभी, उन्होंने मुझे दे दिया है कि भैया आप ही संभालो अभी, क्योंकि वो उनका हाथ सेट नहीं हो पा रहा है, उन्हें जो मैंने इतना समझाया है वो नहीं कर पा रहे हैं सेट। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप जब वी टाइप यूज़ करो तो आपको देखना है प्रॉपर तरीके से कि मार्केट में बैलेंसिंग कितनी हो रही है, मतलब बैलेंसिंग, वो वाली बैलेंसिंग पॉइंट नहीं, अगर वो बैलेंसिंग पॉइंट हो गई तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको देखना है अच्छे से कि मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है या नहीं, और इतने ही पोर्शन से मत देख लिया करो कि मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है या नहीं, ठीक है, पोर्शन पूरा देखो। अगर वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, प्लीज़ स्किप मत करके देखा करो, ठीक है। अपल्लू फालतू की बकवास नहीं करते, बस जो बोलते जो अपनी रियल वेस पे बोलते, स्क्रिप्टेड नहीं बोलते। तो इतने वेस में मत देख लेना कि हाँ भैया हमने देख लिया इतनी सारी मूविंग हो रही है, सॉरी इतनी सारी मूविंग हो रही है, तो यहाँ से नहीं, कम से कम
15 मिनट पहले का तो देखो, 15 मिनट यहाँ से देखो, ऐसे देखते जाओ, मूवमेंट देखो कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मूविंग हुई है, कितनी बार भी टाइप बने हैं, देखो एक ये भी, ये ए ए टाइप, अब यहाँ नहीं बोलना कि ये टाइप, ये नीचे गए हैं और बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। बोल रहा था चार्ट रीडिंग की वीडियो आएगी, तो मैंने चार्ट रीडिंग की वीडियो थोड़ी डिले होगी क्योंकि उस पर बहुत अच्छे से आपको समझाना है, क्योंकि बहुत डली है और अच्छे से समझाएंगे, समझाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे, है ना, तो वो डिले होगी लेकिन आएगी ज़रूर। ओके, तो अच्छे से आपको नोटिस करना है, मार्केट को समझना है अच्छे से। देखो यहाँ पे अप डाउन का ही सिस्टम नहीं होता, अब इंसान को ये लगता है कि ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, उससे काय पैसे हम यहाँ लगा देते हैं, हम इसको टिक करते हैं, पैसे हमने यहाँ लगा दिए, साला ऊपर चला जाता है, लॉस हो गया हमारा पैसा, अगर यहाँ लगा देते हैं नीचे चला जाता है, लॉस हो गया हमारा पैसा। ऐसा ही होता तो थोड़ी ना सब कुछ, सॉरी, ऐसा ही होता सब कुछ, तो आप समझ रहे हो ना, इतनी इंगेज कैसे होती है यहाँ पे बताओ, इतनी इंगेज होती है यहाँ पे, मतलब कॉमन सेंस आप खुद लगाओ, इतनी इंगेज होती है यहाँ पे, नहीं होती ना, तो इस चीज़ को समझो अच्छे से कि ऐसे इंगेज नहीं है यहाँ पे, समझना पड़ता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मैंने यहाँ पे मतलब अपने साल बर्बाद किए हैं, मैंने अपना पैसा बर्बाद किया है, मैंने भी अपने पापा की पॉकेट मनी बर्बाद की है, पापा की पॉकेट मनी। और आपको यकीन नहीं होता तो प्रीवियस वीडियो उठा के देख लो एक बार ही, ठीक है। फिर मैंने इस पे काम किया बहुत ज़्यादा, तभी मैं यहाँ से अब पैसे निकाल पाता हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि चार ही ट्रेड लेता हूँ मैं, गुरु मंत्र याद कर लो। अब देखो चार ट्रेड, अब आप बोलेंगे कि चार ट्रेड कैसे, तो चार ट्रेड का देखो सिंपल ये है कि वो बस ट्रेड बड़ी होती हैं, जैसे कि 10,000, 15,000, 20,000 और कभी कभी 30,000 भी, लेकिन 30 से ऊपर हम कभी जाते नहीं हैं। और प्रॉफिट में चल रहा हो तो बाय चांस चले जाएँ तो ठीक है, 4 से 5 ले लेंगे अगर मार्केट अच्छा सिग्नल दे रहा है, लेकिन 5 से आज तक 6 नहीं लिए हैं, वो अलग बात है। वो नहीं बोलना कि वीडियो में सर आपने ये ऊपर हाई बटन में दे देता हूँ कि यहाँ पे लगातार ट्रेड लिया है, आप लोग बोलोगे तो सब करेंगे, ठीक है। तो लालच नहीं करना कभी भी। देखो यहाँ अगर बाय चांस आपको 4 ट्रेड आप लेते भी हो दिन में और आपको लॉस भी हो जाती है, तो भी इतना पैनिक मत करना, बस इतना अकाउंट देखो, इतना अमाउंट ज़रूर छोड़ना अकाउंट में कि मतलब तुम अगले दिन ट्रेड ले पाओ, अगले दिन फ्रस्ट्रेशन से नहीं और अच्छे मन से, साफ मन से ट्रेड ले पाओ। यही बेस्ट टिप्स हैं आपके लिए, स्क्रिप्टेड नहीं है ये रियल बेस पे है। स्क्रिप्टेड क्या 0.1, 0.2, 0.3 बस हो गया सब कुछ। अपन अलग क्यों हैं? इसलिए अलग हैं क्योंकि कनेक्टेड हैं आपसे, तो स्क्रिप्ट वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरी टिप्स हो गई, अब मैं भी बोलूँगा दूसरी टिप्स क्योंकि तुम लोगों को आदत है ना वो चीज़। दो टिप्स हो गई ना कि आपको यहाँ पे लालच नहीं करना है, अच्छे से समझना है। पहली टिप्स अपनी मतलब टिप्स के अनुसार तो मैंने तुम लोगों को बहुत सारी टिप्स दे दी, इसी भी और नंबर में ना देखी जाए तो बहुत सारी टिप्स दे दी, आप भी अग्री करोगे इस चीज़ पर। ओके, तो देखो हम ट्रेड तो लेंगे ही, तो देखो अभी समय क्या हो रहा है, आप समय देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बज रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड के अनुसार भी हम ट्रेड ले सकते हैं और अपना वी टाइप के अनुसार भी ट्रेड ले सकते हैं। आपको पता है वी टाइप का व्यूज 5 से 7 के बीच ज़्यादा बेटर तरीके से, उससे पहले भी होता है। कई लोग तो बोल रहे थे ना सर वो होता नहीं है, सर वो ऐसी बात नहीं है, 5 से 7 में ही, 5 से 7 में बना हुआ है, मेरी थिंकिंग है और मैंने एब्जॉर्ब किया है अच्छी तरीके से, फिर ही आपको पब्लिश किया था कि तुम लोग अच्छे से समझ जाओ। और आज वो अपने चैनल का आइकॉन है, समझ रहे हो, आइकॉन है टेक्निकल माइंड ट्रेड्स भी टाइप। ओके, किसी भी चैनल पे अगर आपको दिख जाए तो भैया अपनी कॉपी है वो, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। वो बोल देना भैया ये टेक्निकल माइंड ट्रेड्स का है, आशुतोष भाई का, ठीक है। तो अब जल्दी से ट्रेड ले लें तो हम मार्केट रीड करते हैं। और देखो लॉस हो जाए तो यार पैनिक मत किया करो यार, कई लोग बोलते हैं ना 6,000, 5,000, 10,000 लॉस हो जाए, भाई प्लीज़ इतना लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इतना लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। होता है माना हमने कि लॉस कर जाओ, हम मैं खुद बोलता हूँ यार तुम लोग मेहनत का पैसा है, ये है वो है, तो सच में मेहनत ही का पैसा है यार, किसी का फ्री का नहीं आ रहा पैसा। और यहाँ पे लोग बाग आते क्यों हैं, पैसे ही कमाने आते हैं, ठीक है, फ्री में तो ऐसे नहीं आ जाते मुँह उठा के कि हमें कुछ भी, पैसे कमाने आते हैं ना। तो इस चीज़ को थोड़ा मतलब ऐसे लो,
अच्छे से लो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे मत लेना कि बिल्कुल दिमाग में इसी को सब कुछ बना लो। मैंने पहले ही बोला है कि इसको पार्ट टाइम ही रखो, लेकिन पार्ट टाइम रखो ना तो इसको पार्ट टाइम को फुल टाइम में चेंज कर दो। जो आप पार्ट टाइम दे रहे हो यहाँ पर पूरा दे दो एक ही बार में। अच्छे से नोटिस करो, एक डेढ़ घंटे में तुम एक ट्रेड ले सकते हो, वो भी अच्छी खासी समझ के, और तुम्हें वो एक ट्रेड पूरी चार का प्रॉफिट दे के जाएगी। अपनी कसम बोल रहा हूँ, मुझे खुद मैंने खुद किया है। तीन की तीन लॉस हुई थी और लास्ट ट्रेड मैंने ऐसी ली जो कि मुझे पूरे तीन का कवर करवा के गई, और चौथी जो मैंने जो विन हुई वो तो विन हुई, उसका पैसा अलग मिला, उल्टा मुझे चारों का जो प्रॉफिट मिलना था, तीनों का जो लॉस हुआ था वो प्लस प्रॉफिट भी मिला। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे ट्रेड करनी है आपको। ठीक हो, अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और अब कई लोग बोलेंगे यार बहुत छोटी छोटी ट्रेड लेता है तू, भाई बड़ी हम लेते नहीं हैं। हमने बोला ना बड़ी लेंगे आपके सामने एक दिन हम ज़रूर, अगर आप बोलोगे तो हम वो अपनी जो चार की चार ट्रेडें हैं उनको पार्ट में कट कट कर करके, जिस टाइम देखो मैं एक साथ नहीं लेता इतनी बड़ी ट्रेड, जो बात है साफ है। अगर वो वीडियो बनाने बैठे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी ना, आप देखोगे और भाग जाओगे। तो समझोगे कि मार्केट हम रीड करते हैं तो अच्छे से करते हैं, और ऐसे ही 10-20 हज़ार रुपये नहीं लगा देते। ठीक है, फालतू फालतू तरीके से नहीं लगा देते, तो इस चीज़ को समझना अच्छे से। ठीक है, और वीडियो स्किप करके नहीं देखा करो मेरी, क्योंकि हम नहीं करते फालतू बकवास। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो अगर आप बोलोगे ऐसे तो हम हर ट्रेड को, मतलब जो चार ट्रेड लेते हैं, चार ट्रेड को पार्ट में काट के विथ टाइमिंग सब कुछ प्रूफ करके आपको दिखा सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो। चाहते हो तो ठीक है, तो आप कमेंट कर देना तो वो भी, और अपनी चार्ट रीडिंग की वीडियो आएगी, पहले ही बोल देता हूँ आएगी। ठीक है, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से समझाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझाना है आपको। अपन लोग शेयर मार्केट में एंटर हो ही गए हैं, उनकी भी वीडियो आना चालू हो जाएगी। अब ओलंपिक ट्रेड पे आप चाहते हो तो उनकी भी वीडियो आएगी। अब स्टॉक पे हम बनाने लगे हैं, लेकिन अभी हम इस पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पे मैंने ज़्यादा मेहनत की है तो इस पे ही फोकस कर रहे हैं। तो देखो, मार्केट तो बैलेंस नहीं है इतना, अगर ट्रेंड के अनुसार चलो। देखो यहाँ छोटी कैंडल बनी हुई थी, और ये छोटी कैंडल बनी हुई थी इसलिए मार्केट को इसने ऊपर ढकेल दिया। हाँ, यहाँ से बड़ी कैंडल बनना चालू हो रही है तो ठीक है, लेते हैं ट्रेड। अगर ये छोटी छोटी नन्हे मुन्ने राह ही बनेंगे, जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में, वही ट्रेडर भाषा में हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है, हैमर और ये फालतू के अपन ने अपने खुद नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो नीचे मार्केट जा रहा है, लेकिन वो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं ना जो डिस्टर्ब करती हैं, मतलब मार्केट को, समझ रहे हो? ये इनका ट्रेंड नीचे गिरा सकती हैं और यही इनका ट्रेंड ऊपर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत सोचना कि भी टाइप लेंगे, देखो ट्रेंड के अनुसार भी ले सकते हैं, और भी टाइप लेंगे तो बता देंगे तुरंत। ठीक है, तो ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 1500 रुपये हमारा लगाएंगे हम। और देखो मार्केट को अगर हम पीछे से देखें मार्केट को, तो देखो यहाँ बैलेंस हुआ है, और बैलेंसिंग टाइम इनका रहा है अपना ये 30, 16, 30, 17। तो बैलेंसिंग टाइम इनका बहुत ही कम पोजीशन पर आया है, मतलब आज का मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और तुम लोगों को बता दूं कि जो अभी हमने चार ट्रेड लिए ना, उसमें अभी ट्रेड की नहीं है, तो अभी भी बता सकते हो, तो अभी भी हम उनका पार्ट कट करके आपको दिखा सकते हैं, अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो देखो हाँ, मार्केट ने रुख बदला है थोड़ा सा। इसको प्लेइंग मोड में लोगे ना तो हमेशा विन ही करोगे, इसको अब तुम लोग समझ ही लेते हो हाहाकार। देखो अगर ट्रेंड के अनुसार लें तो मार्केट देखो बिल्कुल तेज़ी से नीचे जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसने अगर 1 मिनट की स्ट्रेटजी तोड़ दी तो हमें लॉस भी हो सकता है, आपको पता है ना। तो अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखो अगर ट्रेंड के अनुसार लेते तो यहाँ पे हम जीत सकते थे, लेकिन आपने देखा, नोटिस किया कि यहाँ पे इसने कर्व दे दिया है, तो कर्व अगर इधर थोड़ा भी डाउन हुआ, ये रेड पॉइंट बिल्कुल भी थोड़े डाउन हुए तो फिर नीचे जाएगा मार्केट, और रेड पॉइंट थोड़े भी ऊपर गए तो ऊपर जाएगा। अब CCI पे जिनको वीडियो चाहिए अच्छा कैलकुलेशन का, कि CCI के जो डॉटेड कैसे आते हैं, कि इनको कैसे समझना है, तो
तो इनके ऊपर भी वीडियो हम ला सकते हैं अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि तुम लोग बोलोगे ना, तुम लोग की जो नीड है वही तो बताऊंगा, आलतू फालतू थोड़े ही ना बताऊंगा। तो देखो यार, ट्रेंड के अनुसार तो मार्केट ये है, इसको बोलते हैं ट्रेंड। देखा तुम लोगों ने, मार्केट बिल्कुल नीचे गया, ट्रेंड के अनुसार चल रहा है और दोपहर का यही लफड़ा है, ठीक है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं और मार्केट फिर ट्रेंड के अनुसार ही चल रहा है कि अब मार्केट गया है ऊपर और मुझे लगता है ऊपर ही जाएगा, अगर बशर्ते ये छोटी छोटी कैंडल्स ना बने। छोटी छोटी कैंडल ही तो कर देती हैं सब कुछ बर्बाद। अब देखो, कई लोग सोच रहे होंगे इतना टाइम लग रहा है एक ट्रेडर हो के, इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। बहुत गलत सोच है तुम लोगों की, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि टाइम तो जो कुछ भी नहीं लग रहा है, अगर मैं बनाने बैठूँ 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। अब समझने में भी टाइम लगता है ना। तो देखो यहाँ पे क्रिएशन हो रही है, यहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ, कोई वो थोड़ी ना खेल रहा हूँ लूडो के, अपना पैसा पैसा नहीं लग रहा, कॉइंस लग रहे हैं यहाँ पे, पैसा लग रहा है रियल मनी और हार्ड मनी, जिसमें मेरा टाइम भी जाता है। तो देखो ट्रेंड बुलिश में जा रहा है और कुछ अच्छा रिस्पांस दे तो हम ट्रेड लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने हमेशा आपका देखा है। देखो हाँ, मार्केट बिल्कुल देखो डाउन, बिल्कुल मतलब डाउनवर्ड ज़्यादा गया है मार्केट, मतलब डाउन की डाउन का ट्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा है। देखो यहाँ पे भी डाउन में ही ज़्यादा ट्रेंड रहा है, देखो यहाँ पे भी डाउन के ही दिखा रहा है और यहाँ पे भी डाउन ही जाने की कोशिश की है इसने, और यहाँ पे भी देखो डाउन ट्रेंड इनका बहुत ज़्यादा रहा है। देखो डाउन जो यहाँ अप हुआ था, जो कि काफ़ी टाइम पहले हुआ था, तो इसकी तो कुछ अपन लोग पोजीशनिंग देखेंगे नहीं। और देखो यहाँ पे भी अप होके फिर वो नीचे आके अप ही, यहाँ पे मतलब इस टाइम पे अप अप चला और मुझे अब लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड ही चलेगा, तो हम ले लें डाउन पे, तो थोड़ा ऊपर जाने दो, फिर हम यहाँ पे डाउन पे लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड के अनुसार चलेंगे अपन लोग, ओके। तो इसकी टाइमिंग स्किप होने दो अच्छे से, टाइमिंग स्किप होगी तभी तो हम ले पाएंगे ना। एक मन तो कर रहा है लो नहीं, क्योंकि ट्रेंड के अनुसार हम ज़्यादातर स्किप करते हैं, लेकिन वो हर बार की है ना कि हमें ट्रेड तो लेनी ही पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा मेरा एक जे हो गया है, हर कोई सोचने लगा कि भैया आते हैं तो ट्रेड करके ज़रूर आते हैं। तो देखो बहुत तेज़ी से डाउन गया है और ये अच्छी बात है, अगर ऐसे ही तेज़ी से नीचे जाता तो हम यहाँ पर अभी वी टाइप ले लेते। तो हाँ, हमने यहाँ पर वी टाइप ले लिया गाइस, यहाँ पे हमने वी टाइप ले लिया कि देखो ट्रेंड बिल्कुल नीचे बुलिश में गया था, तो अब शायद अप ही जाएगा, क्योंकि चल ही रहा था डाउन, ठीक है। तो शायद अप ही जाएगा और अगर लॉस भी होती है तो अपन कवर करेंगे आपके ही सामने, ठीक है। तो अप हमने ले ली है, 1 मिनट का हमें वेट करना है और कुछ नहीं, बस और विन करनी है हमें अपने, ठीक है। तो मार्केट ठीक ठाक चल रहा है अभी, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा था, बिल्कुल तेज़ी से नीचे गिरा था। और देखो स्थिति तो ऐसी ही बन रही है, लेकिन आसपास हम लोग हैं, तभी मैं बोलता हूँ 5 से 7 बहुत अच्छा है, मैं तभी वहाँ पे तभी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैं खुद अपनी हैबिट जानता हूँ, इसलिए तुम लोगों को भी बताता रहता हूँ। तो देखो ऐसी बैलेंसिंग पॉइंट बनी रहे और ये हमारी विन है, आई थिंक ये हमारी विन है, और ये हाँ देखो प्रॉफिट, ओके। 2745, 1500 हमने लगाए थे, 3000 के समथिंग हमारा बैलेंस था, 4746 हमारा अब बैलेंस है, ओके। दिस इज या रियलिटी और बेस टाइमिंग, मतलब बेस टाइमिंग समझ गए हो, बेस टाइमिंग है ये। अब तुम बोलो यहाँ पे 4 ट्रेड ले लो तो ऐसे ही टाइम लगने वाला है, वो वीडियो हो जाएगी 1-1.5 घंटे की, और वो 1-1.5 घंटे की वीडियो मैं तब लाऊंगा जब हम बड़ी बड़ी ट्रेड लेंगे, ठीक है, समझ गए हो। ये छोटा अकाउंट मैं क्यों रखता हूँ आपको पता है, ये इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों का अकाउंट बैलेंस होता है, जिससे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आता है, इंसान को लगता तो है कि कोई तो है हमारे लेवल का, क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े एकदम अमाउंट दिखाएं।
और अगर आप जीत भी रहे हो ना, तो जब पैसे निकाल लिया करो, ठीक है, तुरंत। ज़्यादा वो शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना डाला रहेगा उतना ही निकाल के अपने अलग हो, उतना ही छोड़ो अपना, मतलब प्रॉफिट तो निकाल ही लो। और ये बेस्ट टिप्स हैं आपके लिए, ठीक है, और इससे अच्छी टिप्स आपको कोई देगा नहीं, समझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ एक बार मैं चाहता हूँ कि कमेंट में मुझे ये देखे, सर आप इको फ्रेंडली हो, प्लीज़ मैं चाहता हूँ। 1, 2, 3, 4 कमेंट तो देखें, इतने जन जुड़े हैं हमसे, इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन जितनी भी है, तो कुछ लोग बोल सकते हैं क्या कि सर आप सच में इको फ्रेंडली हो? क्योंकि तुम लोग बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि ट्रूली बंदा यार तुम लोगों की है, तो प्लीज़ समझो ना। हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना प्लीज़, ठीक है। और कमेंट में लिख देना एक बार, सर आप इको फ्रेंडली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो चार्ट रीडिंग की आएगी, टाइम लगेगा लेकिन आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। और उस वो अगर वीडियो आ गई चार्ट रीडिंग की, तो समझो तुम खिलाड़ी हो गए, मतलब तुम लोगों को फिर ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ ट्रेड नहीं करनी है, और तुम स्किप करोगे फिर ट्रेडिंग, स्किप करोगे क्योंकि तुम्हें फिर पता चल जाएगा ना कि लॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो तुम पैसे लगाओगे ही नहीं वहाँ पे, तो स्किप करोगे। और तुम लोगों को बहुत सस्पेंस, और यहाँ पे सस्पेंस की बात आ जाएगी, वहाँ पे लोगों का सबुर सबुर सब सबुर 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 भी पता चलेगा वहाँ पे, कितना सबुर रख पाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो प्लीज़ पहले आइकन को ज़रूर दबा के जाना सब्सक्राइब करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ऐसे ही खुश रहो, और कोरोना चल रहा है तो घर में रहो प्लीज़, घर में रहो, कुछ ठंडा वंडा मत खाओ, ठीक है। अभी आपको पता है मुझ पे क्या बीती है, सबको पता है, मैं बहुत थोड़ा कहीं मैं नहीं रोक सकता, इसलिए मैं वीडियो लाता हूँ, तुम लोग बोलते हो इसलिए लाता हूँ बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, घर में रहना, सेफ़ रहना, और मास्क लगा के रखना, ओके बाय।